उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय प्रवास पर जालौन पहुंचे, जहां से उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, चलना तो रिमोट से ही है। रिमोट कंट्रोल के आधार पर जो पार्टी चलाने वाले हैं, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भय है। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ पूरे देश का आह्वान किया, इसलिए उन्हें परिवार से बाहर जाकर के मल्लिकार्जुन जी को अध्यक्ष बनाने का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अध्यक्ष के नाते अपने दायित्व को अपने दम पर निर्वाह करने की छूट पाएंगे। वो गांधी परिवार अपने इशारे पर नचाने का काम करेंगे।